फ्रांस बैक टू बैक वर्ल्ड कप फाइनल्स में आ चुकी है बट क्या वो बैक टू बैक चैंपियंस बन सकते हैं इटली और ब्राजील इटली ने 1934 और और 1938 में ब्राजील ने 1958 और 1962 में ये फिट अचीव की थी कि वो बैक टू बैक वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते थे क्या? बट फ्रांस कर सकती है लेटेस्ट अगर आप देखो तो ब्राजील ने नाइन और फोर नाइनटीन के फाइनल में पहुंची थी बट ब्राजील वन नाइनटी फोर नाइनटी में वो फ्रांस से हार गई थी फाइनल में क्या फ्रांस वो बदला ले सकती है एक तरीके से अगेंस्ट फेलो साउथ अमेरिकन क्योंकि तो आज के मैच में फ्रांस ने एक चीज दिखा दी कि फ्रांस कैन बीट मोरक्को इन अ वे विच स्पेन एंड पोर्टुगल डिड नॉट ऑब्वियसली ये रिजल्ट स्पीक करता है खुद अपने आप बट फ्रांस ने ऐसा क्या किया जो स्पेन नहीं कर पाए जो मोरक्को नहीं कर पाए एंड कंसिडरिंग फ्रांस नेशंस लीग में इतना खराब खेल के इस वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म में आई थी थर्ड फिनिश किया था नेशंस लीग में पांच पॉइंट से सिर्फ सात पॉइंट बिहाइंड डेनमार्क फ्रांस ने ऐसा क्या कर लिया इस वर्ल्ड कप में वेयर डिड फ्रांस गेट थिंग्स राइट दैट दे मैनेज टू गेट दम सेल्फ इन फाइनल अगेन दो द वर्ल्ड कप इज एंडिंग वन फुटबॉल ऑलवेज कीप्स यू अपडेटेड नॉट ओनली ऑन वर्ल्ड कप बट ऑन ऑल द अदर लीग्स विच यू माइट बी इंटरेस्टेड इन विच यू लव वन फुटबॉल पुश नोटिफिकेशन कीप यू अपडेटेड ऑन एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग दू हेड टू हेड रिजल्ट इंक्लूडिंग द मैन ऑफ द मैचेस Match analysis, match previews, as well as all the latest news around all the players who are involved in the World Cup. So, if you're looking for an app which keeps you updated about the World Cup, the players, the nations, and all the clubs.

स्पेन उन्होंने स्पेन को पूरी पोजेशन लेने दी स्पेन डोमिनेटेड द मैच अगर आप पोजेशन स्टैटिस्टिक्स की बात करो पासिंग की बात करो आप चांसेस क्रिएटेड की बात करो तो स्पेन क्लियरली शुड हैव वोन द मैच बट मोरक्को ने डिफेंड अच्छे से किया मोरक्को ने जो अपने तरफ वो प्रोबेबिलिटीज़ कर सकते थे उन्होंने वो बहुत अच्छे से किया एंड फ्रांस के अगेंस्ट वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाए, बिकॉज मैंने रियल मड्रेड से उस पर्टिकुलर मैच में कंपेयर किया था बट दिस इज एक्चल रियल मड इन दैंपियस लीग फ्रांस बिल्कुल रियल मेड्रेड की तरह है चैपियंस लीग में क्योंकि रियल मेड्रेड को अगर पिछले चैंपियन लीग की बात करो तो सबने रियल मेड्रेड को राइट ऑफ कर दिया सबने कहा था भाई फेवरेट्स कौन है मैन सिटी पी एस जी बाय मूनिकर साल हमारे ऑलमोस्ट वही से फेवरेट होते हैं एंड मड्रेड को लोग बेनिफिट ऑफ द डाउट कभी भी नहीं देते लोग कहते हैं हाँ मड्रिड क्योंकि जीती है पहले तो जीत सकती है बट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म कोई भी नहीं कहता कि मड्रेड चैम्पियंस लीग जीत सकती है बट मड्रिड का चैंपियंस लीग जीतने का जो फॉर्मूला है वो हमेशा ये रहता है कि आप गेम में बने रहो जितना देर तक बने रह सकते बने रहो कोशिश करो कि मैच में ऐसा स्कोप बना रहे कि यू हैव सम स्कोप ऑफ अ कम आपके पास स्कोप है कि आप इंडिविजुअल मोमेंट्स में आप सर्टन फेजेस ऑफ डोमिनेंस में आप मैच दूसरी टीम से खींच सको एंड दिस इज वॉट मड्रेड डन इन द चैंपियंस लीग टाइम एंड अगेन एंड सेम आज फ्रांस ने मोरक्को के साथ किया अब आप मोरक्को को स्पेन के अगेंस्ट देखो मोरक्को को पोर्टुगल के अगेंस्ट देखो दे हैड अ वेरी फिक्स टेम्पो उनका फिक्स टेम्पो था खेलने का उनको डिफेंड करना था दे गॉट देर गोल आप कह सकते हो जो उनको गोल एक सेफ्टी एक इंश्योरेंस से चाहिए थी वो उनको मिल गया था स्पेशली अगेंस्ट पोर्टुगल एंड उन्होंने फिर पूरा इनिशिएटिव पोर्टुगल को दे दिया भाई तुम पोजेशन रखो तुम अटैक करो वी विल डिफेंड हमारा सबसे बड़ा एसेट है और सबसे हमारी बड़ी कैपेबिलिटी है हम डिफेंड अच्छे से करते हैं एंड तुम हमारे को उसमें ब्रेक डाउन वी आर चैलेंजिंग यू टू ब्रेक अस डाउन एंड वो कर नहीं पाई थी स्पेन नहीं कर पाई थी वो पोर्टुगल भी नहीं कर पाई थी एंड दिस इज वेयर

आगे पुश करते करते एंड ही हिट्स बॉल होम और बहुत बढ़िया फिनिश था कंसिडरिंग वो एक्रोबैटिकली उसको फिनिश करना पड़ा एंड मोरक्को वॉज नॉट इन स्पेस और मोरक्को उस समय ऑर्गेनाइज नहीं थी कि उस गोल को डिफेंड कर पाए एंड पूरे मैच में आप देखो देर आर फेजेस जिसमें फ्रांस डोमिनेट कर रही थी फिर कुछ फेजेस में मोरक्को के पास बॉल थी और उनको अटैक करना पड़ रहा था क्योंकि मोरक्को हैज बीन डिफेंसिवली सो गुड और डिफेंसिव इंस्टेबिलिटी से उन्होंने गोल खा दिया तो उनको अब इनिशिएटिव लेना था सिमिलर अब आप कह सकते हो ये सिमिलर अप्रोच है जैसे अर्जेंटीना क्रोएशिया के था क्रोएशिया की पूरी आदत थी पूरे वर्ल्ड कप पे देखो दैट उनका उद्देश्य ये था कि भाई हम 120 मिनट तक मैच खींचे दूसरी टीम को हम थकाएं दूसरी टीम से मिस्टेक्स फोर्स करें एंड देन जब वो मिस्टेक्स करती है तो हम उस मोमेंट पे पाउंस करें और उस मोमेंट में हम दूसरी टीम को पनिश करें ये भी मोरक्को की स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं एज एन अंडर टॉक टीम जब आपके पास क्वालिटी की कमी होती है तो आपको यही करना पड़ता है आपको दूसरी टीम को थकाना होता है क्योंकि क्वालिटी आपको धीरे तो यू आर फ्रोन टू मिस्टेक्स और मिस्टेक्स करते हो आप दूसरी टीम को चांस देते हो कि वो आपको हर्ट कर सके ब्रको को ऐसा चांस ही नहीं मिला आज। आप उनके प्लेयर्स भी देखो उसमें आप देखो इसमें इंजरीज की भी कॉम्बिनेशन है इसमें आप कह सकते हो नॉट है वेरी विग स्कॉट टू पिक फ्रॉम उसका भी बहुत बड़ा रीजन है आप अमल्ला को देखो अमल जल्दी इंजर हो गया था रोमन साइज गॉट इंजर्ड आप कह सकते मोरको की जो मेन स्टैंड आउट प्लेय है अब अमल्ला को देखो तो भाई नंबर एट उनका ही सो क्रूशल ट्रांजिशन में कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए प्रेसिंग में कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए ही वॉज नॉट देयर ही वॉज नॉट देयर फॉर देम टू रिलाय ऑन बिकॉज ओवर स्ट्रेच हो गया था ओवर वर्क हो गया था वो टूर्नामेंट में एंड ऑब्वियसली आप एक पॉइंट के बाद आपकी बॉडी जवाब दे जाती है एंड दैट इज व्हाट हैपेंड रोमन साइज पिछले मैच में इंजर हुआ था गॉड टेकन ऑफ पिछले मैच में भी वो इंजरी के साथ खेल रहा था रिकवरी पीरियड था नहीं इस मैच में भी उसने स्टार्ट किया ठीक है इज डूइंग इट फॉर कंट्री बट आपको भी पता है कि इतने शॉर्ट टर्न अराउंड पे जब आपके पास रिकवरी पीरियड नहीं है तो आप कैसे कम बैक करोगे एंड ही टेकन ऑफ अगेन एंड मोरको डिस्टेबलाइज गई थी मेरे हिसाब से अब आप कह सकते हो ना जैसे एमराब ओना ही अमलला यह सब तीनों प्लेयर्स ने मिडफील्ड डोमिनेट करा मिडफील्ड में कुत्तों की तरह भाग भाग के ऐसी तैसी कर दी थी बाकी मिडफील्ड्स की बस इस मैच में इवन फ्रांस हैव देयर स्टार्टिंग प्लेयर्स फ्रांस को मैच शुरू होने से पहले

कम्पैरेटिवली अर्लियर गोल मिल गया था तो दे हैड इनिशिएटिव कि हम हम सिट बैक करते हैं, हम मोरक्को को चांस देते भाई मोरक्को तुम करो एंड फ्रांस ने अपने पूरे आप कह सकते हो रिजिडली डिफेंड किया अब मोरक्को की जितनी भी चांसेस देखो और फ्रांस का जो उस समय हेवायर डिफेंडिंग थी वो देखो अलीमी की जो कॉर्नर पे बाईसाइकिल थी उसमें फ्रांस ने बिल्कुल इधर-उधर रखा था पूरा डिफेंस बॉल किसको पास करनी थी पता नहीं था बट फ्रांस ने ओवरक्राउड कर रखा था बॉक्स बॉक्स पूरा पैक कर रखा था ऑब्वियसली कॉर्नर में यही करते हो आप बट मोरक्को को स्निफ नहीं मिली बॉल की मर... फ्रांस ने क्लियर कर दी फिर आप काउंटर पे जो ऑपर्चुनिटीज उप... देखो जो उनको मिली थी जो एनएससीरी के पास चांस थी बुफाल ने क्रॉस किया क्रॉस वॉज इन अड स्पेस बट कोनाटे वहां पर था फ्रांस ने तीन प्लेयर वहां पर भर रखे थे कि कि किसी ना किसी तरीके से बॉल को कटआउट करो फ्रांस ने वो करा इस मैच में भी कॉन्ट्रोवर्शियल मोवमेंट भी थी जिसमें की पेनल्टी का था जो बुफल वॉज गोइंग फॉर द बॉल थी हल्की सी बॉल टच कर ली थी पहले बिकॉज यू गॉट डेयर बिफोर बुफाल बट उसका फॉलो थ्रू था आप उसको आर्ग्यू कर सकते हो कीट कूड भी पेनल्टी एंड मेरे हिसाब से हो भी सकती थी वो पेनल्टी क्योंकि जो फॉलो थ्रू था वो काफी सबसे बुफाल को पूरी तरह उसने स्वीप कर दिया था बॉल उसने हाथ छू ली बट फॉलो थ्रू में क्लियरली आप कह सकते हो, वो टाइम्ड नहीं था दैट फॉलो थ्रू बीन अवॉइडेड एंड को वो पेनल्टी दे भी सकता था उस समय रेफरी नहीं दी बिकॉज ऑब्वियसली बॉल उसने छू दी थी बट दैट अ कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल इसके बारे में बहुत बात हुई आप मोरक्को उस समय काफी कम्प्लेन भी कर दी उस चीज को लेकर बाकी चांसेस भी देखो आप एक अहमदुल्ला का जो रन था उस रन में भी ही हैड अपॉर्चुनिटी टू टू टेक द शॉट अर्लियर बट फ्रांस ने क्या किया फ्रांस ने उसको शॉट डिले करा एंड देन दे गॉट इतने लोग उन्होंने भर लिए बॉक्स में कि उसके शॉट लेना ऑप्शन रूल आउट हो जाए उसने विंग पे बॉल प्ले करी जो विंगर था जो अंदर आ गया था बॉक्स में एंड अल्टीमेटली चांस कट ऑफ हो गई चांस का कुछ हुआ नहीं चांस मेटीरियलाइज नहीं हुई और फ्रांस बार बार यही कर रही थी फ्रांस का क्या थी कि आप ओवरक्राउड कर लो बॉक्स को तो मोरक्को के पास स्पेस नहीं है इन द बॉक्स टू फिनिश एंड देन टू टेक स्पेलेटिव शॉट और स्पेकुलेटिव शॉट्स आपको पता है का शॉट था जो लोरीस ने जो सेव कर लिया था उस समय थोड़ा सा अंडर हेट था बट आप कह सकते हो एक दैट शॉट वाज़ द ओनली शॉट आउटसाइड द बॉक्स जो एक हल्का सा भी थ्रेटनिंग कह सकते हो बट मोरक्को उसके अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि फ्रांस ने रिदम ही नहीं दी ना अब आपको डिफेंड करना चाहे आपको अटैक करना आपको मोमेंटम चाहिए होता आपको टेम्पो चाहिए होता है कि हाँ आप डिफेंड कर रहे हैं तो हम एक फिक्स पीरियड के लिए डिफेंड करें जिससे हमारी टीम पूरी डायल्ड इन होकर ढंग से डिफेंड करे और वो उनको पता है बट मोरक्को को बिल्कुल भी वो मौका नहीं मिला क्योंकि बार बार क्या हो रहा था कभी फ्रांस अटैक कर रही मोरक्को अटैक रही तो आप सिस्टम मेंटेन ही नहीं कर सकते ना, आपको बार बार डिफेंस टू अटैक डिफेंस टू अटैक डिफेंस टू अटैक करना पड़ रहा है आपको ने ने टैक्टिकली बहुत अच्छे से परखा क्योंकि क्योंकि उन्होंने मोरक्को को अपने स्ट्रेंथ्स के पे ही नहीं, नहीं दिया ना एमराबे का आप कह सकते हो कि वो जो आप अग्रेसिव

बॉल पे थोड़ा काम रहना बॉल को मूव अराउंड करना दूसरी टीम की मोमेंटम दूसरी टीम का आप कह सकते हो थ्रेट को बिल्कुल ब्रेक डाउन करना ग्रीजमेन ने इस वाले मैच में भी किया कुछ प्लेयर्स का कंट्रोल प्रोवाइड करने की वजह से फ्रांस फिर चांसेस बना पाई जीरो की चांस थे ऑब्वियसली जीरो हिट द पोस्ट वो ही कुड ऑफ स्कोर एम्बापे की एक दो चांसेस थी तो फ्रांस का क्या था कि इनकंसिस्टेंटली चांसेस बना रहे थे जैसे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया था और इंग्लैंड के खिलाफ वही था ना कि इंग्लैंड को आप अगर आप मेजोरिटी पोजीशन दे भी दोगे इंग्लैंड अच्छा खेली

फेजेस ऑफ पोजेशन उन्होंने डिवाइड कर दिए उनको पता है कि देखो हम 90 मिनट्स हम डोमिनेट नहीं करेंगे चाहे कर सकती है फ्रांस यू कैन आर्ग्यू ओवर मोरक्को उन्होंने डिसाइड किया कि हम मोरक्को को भी चांसेस देंगे वी विल डिफेंड एंड वी विल अटैक ऑन अपॉर्चुनिटीज तो अपॉर्चुनिस्टिक गेम स्टाइल फ्रांस का इस वर्ल्ड कप में भी नहीं पिछले वर्ल्ड कप में भी था उन्होंने ट्रांजिशन पे ही हर्ट किया था सारी टीम्स को बिकॉज दे हैव द प्लेयर्स टू हर्ट दैट हर्ट यू ऑन ट्रांजिशन और आज भी यही हुआ अब बात आती है हम फाइनल पे पर फाइनल में दिस इज अ वेरी सिमिलर अप्रोच जो एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं क्योंकि हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो मैं फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्रांस अर्जेंटीना के ऊपर एक आप एज क्यों दे सकते हो फ्रांस को तो ऑब्वियसली विनिंग द लास्ट वर्ल्ड कप हैविंग दैट एक्सपीरियंस हैविंग मोस्ट ऑफ द ग्रुप जो पिछली बार जीता था बारिंग ऑब्वियसली जो इंजरीज मैंने मेंशन की थी आपके पास वो ग्रुप है सेम मैनेजर है आपके पास तो दैट टिल्ट्स एक्सपीरियंस साइड ऑफ यू से गेम कैसे मैनेज कर रहा है आपके फेवर में कलोन ने पूरे टूर्नामेंट में चाहे उसका पहला वर्ल्ड कप हो और उसने हर गेम टू तो गेम जैसे अपने आपको अडेप्ट अपने फॉर्मेशन को कोडेप्ट है अपनी पूरी टीम को अडेप्ट कराया पिछले क्रोएशिया के मैच में देख लो उसने मिड ज्यादा खिलाया उसने चार मिडफीडर्स खिलाए आउट एंड आउट और उससे पहले वाले मैच में उसने थ्री एट द बैक खिलाई थी तो ही इज नॉट नॉट अ अ मैनेजर मैनेजर इज अफ्रेड टू टेक रिस्क ही जो दूसरी दूसरी टीम टीम को को समझ के एनालाइज करके उनके उनको न्यूट्रलाइज करने वाला गेम प्लान प्रेजेंट करे वो अपनी टैक्टिक्स पे रिजिड नहीं है एंड आई थिंक दिस इज व्हाट रिजिडिटी इज नॉट गुड फॉर यू इन द वर्ल्ड कप ये हमने कपूस एंडे ने भी सीखा था इन द हार्ड वे अल्टीमेटली लॉस्ट हिज जॉब बट मैं कह रहा था ना फ्रांस पे क्यों फायदा है एक तो एक्सपीरियंस का फायदा है बट आई थिंक दोनों इन दोनों मैचेस में आप देखो द दे सेमीफाइनल एंड क्वार्टर फाइनल एम्बापे नॉट गेट अ गोल एम्बापे वाज नॉट एज थ्रेटनिंग जितना आप, आप कह सकते हो तो वो पिछले मैचेस में था बट एम्बापे का रोल इन मैचेस में क्या था इन मैचेस में बापे का रोल था कि दूसरी ऑपोजिशन को स्ट्रेच करना आप बॉल प्रोग्रेस करो एज अ बॉल प्रोग्रेसर एक्ट करो विंग्स पे दूसरी टीम की स्टेबिलिटी को आप बिल्कुल ऐसी तैसी कर दो और यही आज एम्बापे का ही रोल था एम्बापे स्ट्रेच कर रहा था बार बार बॉल को उनके शेप बिगाड़ रहा था उनको ट्रांजिशन पे हर्ट कर रहा था बट देन ही वाज नॉट स्कोरिंग द गोल्स ही वो शेप बिगाड़ के दूसरे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि वो आके फिर कुछ ना कुछ कर सकते जैसे थी और ऑर्नैंडेज ने गोल मारा दूसरे प्लेयर्स आके देखे से प्ले क्योंकि वो मार्क नहीं हो रहे क्योंकि सारा टेंशन एम पे चला जाता है तो कहीं ना कहीं मेरो की, की वो स्टेबिलिटी वो जो चीज उनको हेल्प करिए वो उनके अगेंस्ट चलेगी एंड एम्बापे बिना गोल मारे भी फ्रांस इज विनिंग फ्रांस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फ्रांस ने दोनों गोल मारे ठीक है एम्बापे वॉज इंपॉर्टेंट इन द सेकंड गोल वो डिफ्लेक्शन लग के जो मार्का सुरम ने गोल मारा था एंड पिछले पिछले गोल में भी फर्स्ट गोल में भी एम्बापे का ही वो जो अनमिस्टेकन शॉट था जो बॉबल होके थियोर्नैंडस के पास गया था बट एम्बापे वॉज नॉट द स्टार ऑफ द शो क्वार्टर फाइनल में भी एम्बापे स्टार ऑफ द शो नहीं था बट फ्रांस स्टिल फाउंड ओ वे टू विन अब अब अर्जेंटीना की बात करो तो अर्जेंटीना में स्टार ऑफ द शो अगर मेसी नहीं है तो अटैकिंगली क्या इतनी तो आपको थ्रेट दिख रही है क्योंकि मेसी इज नॉट एम्बापे इन मेसी एम्बापे की तरह नहीं है कि मेसी बस वो एक विंग पे आपको स्ट्रेच करके आपके दूसरी टीम की शेप बिगाड़ता है या खुद इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस प्रोवाइड करता है गोल के थ्रू मेसी बिल्डअप में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पासिंग इन टर्म्स ऑफ पासिंग ट्रांजेक्शन पे जूलियन एलवेस को निकालना या किसी विंगर को निकालना मेसी उस पार्ट में भी इंपॉर्टेंट है मेसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपके लिए स्पेस बनाने के लिए टाइट स्पेसेस से अपनी ड्रिबलिंग के थ्रू और मेसी ऑब्वियसली इन एंड अराउंड द बॉक्स इन फिनिशिंग चांसेस

दैट कैन टिल्ड द मैच इन देर फेवर एंड वो हमेशा ऐसा टेक्टिक यूज करते हैं जिससे मेसी पे डिफेंसिव रिपॉन्सिबिलिटी सबसे कम और मैसी को कहीं ना कहीं रोल मिले किन ईजिली अटैक या जब उसको मूवमेंट बदलनी है मैच और फ्रांस को ये बहुत अच्छी पता है फ्रांस ने राउंड ऑफ सिक्स में पिछले वर्ल्ड कप के हराया भी था अर्जेंटीना को बट उस अर्जेंटीना में और अर्जेंटीना में इतना फर्क है कि अर्जेंटीना उस समय नाइव थी हो आप मार्से में भी देख लो अटैक करना चाहता है उसको डिफेंस डिफेंडिंग इज नॉट समथिंग जो वो बहुत प्रायोरिटाइज करता है उसके लिए है कि भाई मेरे अटैकर्स या आप कह सकते हो एक ओपन एंडेड मैच ज्यादा चले और ओपन एंडेड मैच में फ्रांस के थ्राइव करती है फ्रांस इज लाइक अ रियल मेडिड एंड दे विल हर्ट यू और अर्जेंटीना वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो ये अर्जेंटीना इज ऑब्वियसली डिफरेंट वो कोशिश करेगी कि फ्रांस को एक क्रोटिक मोमेंट्स नहीं मिले मैच में इतनी भसड़ ना बचे मैच में

अर्जेंटीना हैज टू आउटप्ले फ्रांस एंड फ्रांस को इन्श्योर करना की मैच में जितनी भसड़ मच पाए उतना वो तो मेरे हिसाब से आई विल गिव स्टेट टू फ्रांस ड्यू थिंग फ्रांस कैन अर्जेंटीना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और खाली अंबापे पर नहीं रिलाई करने पर आपको लगता है कि मेसी को कंट्रोल करना मेसी के आप कितने भी प्लान बना लो बट मेसी को कंट्रोल करना किसी भी कंट्री की बस की बात नहीं है लेट मीन ओन द कॉमेंट सेक्शन डाउन लाइक दीडियो सब्सक्राइब टू द चेनल वी आर ऑन द रो टू ट्वेंटी के ट्राइंग टू हिट ट्वेंटी के बिफोर द वर्ल्ड कप एंड आई कैच यू गाइज इन दीडियो बाय बाय